बात दूंगा और ये हकीकत है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, जिनमें नगर पालिका है, न्यायपालिका है, हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है और चौथा है पत्रकारिता। और पत्रकारिता इन तीनों के ऊपर नजर रखने के लिए बनाई गई है मेरे ख्याल में, और नजर रख भी रहे। अभी हमारे से पहले डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा बोल कर गए, हम इतना तो नहीं बोल सकते भाई, लेकिन यह है कि उनकी बात में भी दम है। और हमारे पत्रकार भाई जो ये भी हकीकत है कि अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत कुछ दुनिया के सामने सच लाने की कोशिश करते हैं और लाते भी हैं। हम अक्सर देखते हैं, बहुत हमने इंसिडेंट ऐसे देखे कि पत्रकार वहाँ पे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं गोले चल रहे, लेकिन पत्रकार भाई जो है वो अपना कैमरा लिए खड़ा रहा। तो ये बहुत बड़ी आप लोगों की बात है, बहादुरी है, आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग सच लाने का काम सामने कर रहे हैं। मैं यही दुआ करूंगा, खासतौर से मेरे नए नौजवान पत्रकार भी यहाँ बीच में बैठे हुए हैं जो मैं देख रहा हूँ। पुरानों को तो हम पुरानों से तो सीख रहे हैं, नयों का भी कह सकते हैं कि भाई सच लिखो। जो आदमी मेहनत कर रहा है आप उसको, आपके कलम के अंदर बहुत ताकत है। आप हमारी मेहनत को अगर लिखोगे तो हमें फख्र होगा और हम और दबा के मेहनत करेंगे, गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन हम मेहनत करें और वो आपकी कलम वो हल्की चले तो हम भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। और रही बात आप लोगों की, हमारी बहन अभी कहकर कहीं बहुत अच्छा बोल रही, ये भी हकीकत है। हम तो चाहेंगे कि सरकार आप लोगों को महीना आपका तय करे, पत्रकार का कोई रोजगार तो बेचारों को कोई ऐसा है नहीं अपना रोजगार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। ये भी हकीकत है, अगर हम दिल से उनके बारे में सोचें कि सुबह निकलते हैं और रात तक बेचारे वो सच ढूंढते फिरते हैं, सच को लिखते फिरते हैं, तो मिल क्या रहा है, बल्कि धमकी मिलती है। मैं काफी बार देख भी चुका हूँ, तो गलत अगर सच लिखेंगे तो कोई ना जिसके खिलाफ लिखेंगे वो लादे बात मुश्किल पैदा कर। पत्रकारों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे नौजवान पत्रकार हैं जो इस फील्ड के अंदर आकर यहाँ मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों को एक सीख मिले, उन लोगों को एक हिम्मत मिले, उनको हौसला मिले। मैं दादा बक्ता लेते हुए, क्योंकि मुझे भी अभी कई जगह जाना है, हमारे प्रीजन का प्रोग्राम है विधानसभा में उद्घाटन, मैं